हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। मानधाता, तुम स्वयं ही चलकर मृत्यु के द्वार पर आ गए हो। नहीं लवणासुर, मृत्यु तुम्हारे द्वार पर आई है। तुम अकेले आए हो, इसलिए हम तुमसे अकेले ही युद्ध करेंगे। हाथी के सामने एक चीटी हो या 10,000, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। बहुत काल हुआ अयोध्या में सूर्यवंश के ही आपके एक महान पूर्वज राजा मानधाता राज करते थे। उन परमवीर और महातेजस्वी राजा ने अपने पराक्रम और शूरवीरता से समस्त लोगों पर विजय पाली थी। अंत में अपनी अपार कीर्ति और यश बढ़ाने के लोभ में राजा मानधाता ने देवताओं के राजा इंद्र पर आक्रमण करने का निश्चय किया, जिससे वो स्वर्ग तक अपने राज्य का विस्तार कर ले। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो वो मन में घबराया और देवताओं के गुरु बृहस्पति की शरण में गया और कहने लगा, गुरुदेव गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए, गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। एक मानव स्वर्ग पर अधिकार करके इंद्र का पद ग्रहण करना चाहता है। उससे युद्ध करने के लिए मैंने देवताओं की सेना तैयार करवा ली है। आप हमें विजय का आशीर्वाद दीजिए। देवराज इंद्र, आप जिस मानव से युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं वो कोई साधारण मानव नहीं है, एक महाप्रतापी शूरवीर है। हमारे विचार में उसे अस्त्र शस्त्रों से पराजित करना दुष्कर हो सकता है। आप नहीं जानते कि इन रघुकुल वंशियों में सूर्य का अंश है। फिर इन्होंने सदा ऋषि मुनियों की सेवा करके उनके विज्ञान का भी पूरा लाभ उठाया है। इनके पास अस्त्र ज्ञान भी उत्तम कोटि का है, इसलिए उनसे लड़ना बुद्धिमानी नहीं। फिर युद्ध से नहीं, उसे बुद्धि से हराया जाए तो अच्छा हो। वीरो, आज सारे संसार में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी वीरता के सामने सर उठाने का साहस कर सके। तुम्हारे आक्रमण के वेग को सेना देवताओं के लिए भी संभव नहीं, इसलिए हमने आज इंद्र पर धावा बोलकर तुम सबको स्वर्ग का अधिपति बनाने का निश्चय कर लिया है। मानधाता, मानव को इतना अभिमान शोभा नहीं देता। इंद्र, यह अभिमान की बात नहीं, यह एक वीर के अधिकार की बात है। आज हमारी वीरता के सन्मुख संसार के सभी राजा नतमस्तक हो गए हैं। हमसे युद्ध करने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए हमें अधिकार है कि अब धरती से आगे निकलकर हम स्वर्ग पर अपनी विजय पताका फहराएं। इसलिए हम तुमसे युद्ध की मांग करते हैं। मानधाता, ये तुम्हारा भ्रम है कि तुमने इस धरती के समस्त राजाओं पर विजय पाली है। ये भ्रम नहीं, बताओ कौन है इस धरती पर जो हमारे अधीन नहीं है। लंकाधिपति महाराज रावण। रावण से हम युद्ध कर चुके हैं। 7 दिन के भयंकर युद्ध के पश्चात भी हम उसे इसलिए नहीं मार सके क्योंकि उसे ब्रह्मा का वरदान था और स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर हमें युद्ध बंद करने का आदेश दिया था। सो रावण को तुम अपराजित मत समझो,
और कोई है इस धरती पर? हाँ है। कौन? लवणासुर। लवणासुर कौन? रावण की बहन कुंभीनसी और मधुदैत्य का पुत्र राक्षस राज लवणासुर, जो मधुरा में राज्य करता है। लवणासुर सेनापति, क्या लवणासुर अभी बाकी है? जी अन्नदाता, लवणासुर अभी तक बाकी है। तो ठीक है, हम आज इंद्र की जगह लवणासुर पर चढ़ाई करते हैं। परंतु देवराज इंद्र, याद रखना, लवणासुर को समाप्त करने के पश्चात मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपनी तैयारी करके रखना। तुम्हारा ये अभिमान ही तुम्हें ले डूबेगा मानव। सेना नायक, इसी समय लवणासुर पर चढ़ाई करने के लिए कूच का डंका बजा दिया जाए। क्या कहा? अयोध्या का राजा मानधाता लवणासुर का नाश करने आया है, बहुत बड़ी सेना लेकर। जी महाराज, सूचना मिलते ही नगर के द्वार बंद कर दिए गए हैं और सेनापति ने सेना को सुसज्जित होने का आदेश देकर मुझे यह सूचना देने के लिए आपकी सेवा में भेजा है। सेना? सेना की क्या आवश्यकता है? जब तक भगवान शिव का त्रिशूल हमारे पास है, हम अकेले ही जाएंगे। नाथ, फिर भी सेना साथ हो तो अच्छा होगा। रानी, ये शंका की निशानी है। जो भी काम करो, शंकाहीन होकर पूर्ण विश्वास से करो, तभी जय होती है। जय भोलेनाथ। नगर के द्वार तोड़ दो। ठहरो। मानधाता, तुम स्वयं ही चलकर मृत्यु के द्वार पर आ गए हो। नहीं लवणासुर, मृत्यु तुम्हारे द्वार पर आई है। तुम अकेले आए हो, इसलिए हम तुमसे अकेले ही युद्ध करेंगे। हाथी के सामने एक चीटी हो या 10,000, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जिसे ना मरना हो या मरने से भय हो, उसे मैं 5 क्षण का समय देता हूं, वो एक और आ जाए। लवणासुर, तुम मायावी हो, माया रचने के लिए समय चाहते हो, किंतु मैं तुम्हें समय नहीं दूंगा। Ha 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 ha
हा, हा, हा।